तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कर्नाटक के मैसूर में गैंग रेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवती के साथ लुटेरे के एक गिरोह ने गैंग रेप किया। इसके साथ ही उसके कथित बॉयफ्रेंड को पैसे ना देने पर जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि पीड़िता छात्रा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की देर शाम करीब 7 बजे की है, जब लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा के साथ मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों के तलहाटी में 6 युवकों के एक गिरोह ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वह उसके साथ चामुंडी पहाड़ी इलाके में घूमने गई थी। वहां पर कुछ लोगों ने उन दोनों को घेर लिया और उससे पैसे मांगने लगे। इसके बाद आरोपी पीड़िता और उसके दोस्त को सुनसान ललिताद्रिपुरा लेकर गए। इसके बाद दो लोगों ने लड़की का यौन शोषण किया और उसके साथ मौजूद लड़के पर एक पत्थर से हमला करके उसे घायल कर दिया। वे लगातार युवक से पैसे की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पीड़िता उत्तर प्रदेश से पढ़ाई के लिए मैसूर आई थी। वह एक निजी कॉलेज में पढ़ती है। घटना के लगभग 24 घंटे बाद भी आरोपी अभी भी लापता है। पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है और पुलिस ने अभी तक इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया है। डीसीपी प्रदीप गुंती ने मौके का दौरा किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। चामुंडी पहाड़ियों मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर राज्य के लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जहां प्रसिद्ध श्री चामुंडेश्वर मंदिर स्थित है।